क्वेश्चन था कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट वाज चेंज फ्रॉम 700 नैनोमीटर टू 350 नैनोमीटर। पहली चीज तो यहां आपको पता चल गई कि जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो क्या हो रही है, हाफ हो रही है। वेवलेंथ चेंज हो रही है कहां से कहां तक, 700 टू 350। इसको मैं लिख देता हूं कि मेरे पास वेवलेंथ हाफ हो गई। दूसरी चीज क्या हो रही है कि तो व्हाइल डबलिंग द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, और हम जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है जिसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। अब कहता है कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर इनकोरेक्ट है। अब पहले मैं ये करता हूं कि मैं इसे ऑप्शंस के मुताबिक देखता हूं कि मुझे सॉल्व क्या करना है। विड्थ ज्यादातर पूछी गई है कि विड्थ ऑफ द फ्रिंज चेंजेस, कलर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस चेंजेस, सेपरेशन बिटवीन कंजेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस चेंजेस। तो मैं देखता हूं कि क्या ये दोनों वेरिएबल्स है हमारे पास जो फ्रिंजेस हैं उनमें चेंज आ रहा है। तो फार्मूला है लैम्डा एल ओवर डी। अब चेंज दो फैक्टर्स हो रहे हैं, वेवलेंथ मेरे पास क्या हो रही है हाफ, और डी की वैल्यू क्या हो रही है डबल। तो 2 × 2 = 4। इसका मतलब ये पता चल गया कि फ्रिंज स्पेसिंग चेंज हो रही है, और क्या चेंज हो रहा है, 1/4। तो 1/4 का मतलब है कि फ्रिंज स्पेसिंग की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन वो कहता है कि विड्थ ऑफ फ्रिंज चेंजेस, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन हमें इनकोरेक्ट बताना है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड कहता है कलर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस चेंजेस, बिल्कुल ब्राइट भी चेंज होगा, डार्क भी चेंज होगा। सेपरेशन बिटवीन कंजेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस चेंजेस, बिल्कुल ये भी ठीक है। लास्ट कहता है सेपरेशन बिटवीन कंजेक्टिव डार्क फ्रिंजेस रिमेन सेम, तो ये स्टेटमेंट इनकोरेक्ट थी, और ये हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है। तो आंसर क्या है, डेल्टा, क्योंकि अगर कंजेक्टिव ब्राइट के दरमियान स्पेसिंग चेंज होगी तो कंजेक्टिव डार्क के दरमियान स्पेसिंग भी चेंज होगी। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकोरेक्ट होगी, दैट विल बी डेल्टा। सेपरेशन बिटवीन कंजेक्टिव डार्क फ्रिंजेस रिमेन सेम, होना क्या चाहिए था, बिकम्स 1/4, रिड्यूस हो जाती है।